नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश चाटी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं। यहां पर शेयर बाजार का अपडेट, कमोडिटी बाजार का अपडेट और सबसे महत्वपूर्ण आपका राशिफल। सबसे पहले जानेंगे कि आज आपका राशिफल कैसा रह सकता है, कौन सी राशियों में आज पैसा कमाना लिखा हुआ है और किन राशियों को आज बचकर चलना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सब जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। शुभ प्रभात साथी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो आप तक पहुंचाया जा रहा है 8 मार्च 2022 मंगलवार। दोस्तों आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज की हलचल, शेयर बाजार में होने वाला उतार चढ़ाव एवं नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना है। आपको याद होगा कल हमने निकल और कॉपर के अंदर तेजी की बात की थी और कल निकल में लगभग 50% की एक तरफा तेजी एक सिंगल डे के अंदर दर्ज हुई, जिसका भरपूर लाभ हमारे दर्शकों ने उठाया होगा और कॉपर में भी जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त स्टॉक मार्केट में हमने आपको कमजोरी की सलाह दी थी, जो कि बिल्कुल अक्षरशः साबित हुई, और लेकिन कुछ शेयर्स पे आपको नजर रखने के लिए कहा था जिसमें शुगर सेक्टर महत्वपूर्ण है। आज भी शुगर सेक्टर ने अपनी तेजी बरकरार रखी है, मेटल स्टॉक्स और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के अंदर तेजी दर्ज हुई है दोस्तों। और एग्रो कमोडिटीज के अंदर हमने जो एग्रो कमोडिटीज में आपको जो चर्चा की थी वो भी सत्य साबित हुई। आज सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। आज भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि दिन आपका शुभ रह सकता है, लाभ कमा सकते हैं, आपकी तेजी और तुरंत तेज दिमाग आपको फायदा दिलवा देता है। लेकिन 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी है। 2, 6, 10 यानी पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि दिन निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रहा है, कभी प्रॉफिट कभी नुकसान, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 ये वायु तत्व की राशि है, मिथुन तुला कुंभ राशि, आज दिन संभव है मुफीद न रहे, परेशानियां बढ़ सकती है, आया हुआ मुनाफा हाथ से निकल सकता है, बड़े ट्रेडिंग डिसीजन लेने से बचे। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 4, 8, 12 यानी कर्क वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही है, 3 से 4 बजे के बीच में स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए, अन्यथा आया हुआ मुनाफा नुकसान में बदल सकता है। तो दोस्तों ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। जी अखिलेश जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से अगर कम्युनिटी बाजार की, और कम्युनिटी बाजार में सबसे पहले बात करें अगर कृषि फसलों की, तो ग्वार में आपको क्या लगता है, क्योंकि ग्वार में देख रहे हैं कि काफी समय से एक सीमित दायरे में कारोबार दर्ज किया जा रहा है, ज्यादा तेजी बनती नजर नहीं आ रही है, जो ज्यादा गिरावट है वो भी नहीं बन रही है, एक स्थिर हो गया, एक स्टिल हो गया यहाँ पे, ऐसे में आपको क्या लगता है ग्वार गम ग्वार सीड में आगे कैसा रुझान रह सकता है? देखिए लगभग 58-58.5 सौ रुपए का जो गवार है वो एक उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, और ये ऑलमोस्ट निचले स्तर को हम लोग डिनोट करते हैं कि 100-150 रुपए और ऊपर नीचे हो तो बात अलग है, जो कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के अंदर कभी भी हो सकते हैं। लेकिन गवार अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थिति पे आ गया है, क्योंकि गवार के फंडामेंटल बहुत मजबूत है, पाइपलाइन लगभग खाली है, एक्सपोर्टर्स के पास पर्याप्त ऑर्डर भी है, लेकिन मंडियों के अंदर अच्छी क्वालिटी का गवार इजिली उपलब्ध ही नहीं है, क्वांटिटी वाइज यदि कोई लेना चाहे बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि गवार सीड के अंदर बड़ी मंदी की संभावना तो कम नजर आ रही है, फंडामेंटली हाजिर के अंदर जो व्यापारी है वो गवार के अंदर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर उनको अच्छा लाभ मिल सकता है। और जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं उनके उनको हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि 2% से अधिक का जो स्टॉप लॉस जरूर रखें, चाहे तेजी कर रहे हैं या मंदी कर रहे हैं, और इंटरडे के अंदर ही अपनी पोजिशन के अंदर प्रॉफिट या बुक कर लेना चाहिए, या जो यदि कभी गलत हो रहा है तो नुकसान को भी जल्दी बुक कर लेना चाहिए। ये T20 के मैच है, इसके अंदर हर दिन हर मैच नया होता है और पिछला मैच से इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता है, लेकिन जो फंडामेंटल के रूप में काम करते हैं, फिजिकल में काम करते हैं, हाजिर बाजार में काम करते हैं, स्टॉक करके काम करते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि लेवल्स के ऊपर गवार के अंदर कोई बड़ी परेशानी की सबब नहीं मिल सकता। ये अखिलेश जी। जी, इसके साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से अगर धनिये की मसालों में, तो धनिये में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग बनना थोड़ी थोड़ी शुरू भी हो चुकी है। देखिए जहां तक इंटरडे ट्रेडिंग का सवाल है, धनिये में थोड़ी सी मामूली सी कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन इस ये जो फिर मैं कहूंगा कि
अभी समय इंटरडे ट्रेडिंग का बिल्कुल नहीं है, अभी समय है कि निचले स्तर पे अच्छी क्वालिटी का, अच्छी एक कमोडिटीज के अंदर अभी कोई जो निवेशक है वो प्रॉपर निवेश करे। धनिया की फसल आ रही है और उसके अंदर की कमी की संभावना जताई जा रही है, लगभग 30 से 40% की कमी आ रही है और मुझे लगता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए। और जो निचले स्तर के ऊपर जो धनिया जो अभी जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन की वजह से धनिया के अंदर गिरावट आई है उसका लाभ उठाते हुए फिजिकल के अंदर माल खरीदना चाहिए। और यदि कोई एंट्री डेक्स में भी खरीदना चाहता है, इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहता है तो उतार चढ़ाव जरूर रह सकता है, लेकिन अभी लंबे समय के लिए 2 महीने 3 महीने की अवधि के लिए कोई खरीदना चाहता है तो इसको अंदर धनिए के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। ये अखिलेश जी जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी, जीरे में क्या लगता है, क्या जीरे में भी धनी की तरह ही फंडामेंटल्स मजबूत है और क्या जीरा भी आगे जाके तेजी दिखलाएगा? देखिए जहाँ तक जीरे का सवाल है, ये 20,150 20,100 के आसपास का जो लेवल्स है ये परफेक्ट लेवल्स है। और धनिए के अंदर आपको याद होगा जब 13,500 से 14,000 धनिए में कोई सॉरी जीरे में कोई पूछ नहीं रहा था, उस वक्त भी हमने जीरे के अंदर तेजी की बात कही थी और 21-22 हज़ार रुपए तक भी इसके से ऊपर के स्तर देखे गए। अब ये थोड़ा सा जो करेक्शन आया है 10-1% का, तो इस करेक्शन का जो हाजिर के व्यापारी है उनको फायदा उठाना चाहिए और निचले स्तर के ऊपर अच्छी क्वालिटी का भी नजरे धनिए का स्टॉक किया जा सकता है। और जो इंटरडे में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बचना चाहिए। और लेकिन हाजिर के लिए जीरे की फसल भी कमजोर बताई जा रही है, खासकर गुजरात के अंदर काफी फर्क पड़ रहा है। और गौरतलब है यदि पिछले 7-8 साल का भी यदि विश्लेषण हम देखें कि पिछले 2 साल से जीरे के अंदर लगातार फसलों में कमी आ रही है, और लेकिन उससे पहले यदि 4-5 साल का देखें तो जीरे के अंदर हमेशा से ही फसल अच्छी रही है, लेकिन पिछले लगभग 2 साल और इससे पिछला साल जीरे के अंदर उत्पादन के अंदर कमी रही है, खासकर गुजरात क्षेत्र से। तो मुझे लगता है कि इसका जीरे के अंदर बहुत बड़ी मंदी की संभावना मुझे नजर नहीं आती है और यहाँ पर भी फिजिकल स्टॉक करने वालों के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। जी अखिलेश जी जी, इसके साथ कर्नल जी बात करें यहाँ से, अगर आप नॉन एग्री तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में आपको क्या लगता है, स्पेशली गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कीमतें थोड़ी लुढ़की हैं लेकिन लेवल्स अभी भी अट्रैक्टिव बने हुए हैं, ऊपरी स्तर पर अभी भी कारोबार दर्ज किया जा रहा है, ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी आज गोल्ड सिल्वर में? देखिए मैं आज नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर मेटल और प्रेसिस मेटल दोनों पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेटल पे बात करना चाहता हूँ, बेस मेटल में कल भी आपको याद होगा हमने कॉपर और निकल के ऊपर तेजी की बात कही थी, स्टील की बात कही, स्टील में तेजी की बात कही थी, तीनों कमोडिटी ने जबरदस्त तेजी दिखाई। स्टील ने लगातार ऐतिहासिक स्तर देखे गए, ब्लेट है, इनगेट है, स्क्रैप है, अलंग है, इसके अंदर तेजी देखी गई, साथ ही कॉपर के अंदर भी बड़े जबरदस्त 850 से ऊपर के 870 रुपए के भाव देखे गए, 80 रुपए तक 81 रुपए तक भी, और स्पॉट के अंदर भी कॉपर ने जबरदस्त तेजी दिखाई। लेकिन हीरो रहा कल निकल, निकल ने कल 50% की एक तरफा तेजी एक दिन में ही दर्ज की। आपको याद होगा हमने कल आपको निकल, स्टील और कॉपर के अंदर तेजी और मजबूती की संभावना व्यक्त की थी जो अक्सर सत्य साबित हुई और जो दर्शक सुन रहे थे समझ रहे थे उन्होंने इसका भरपूर लाभ भी उठाया होगा। आज क्या संभावना बन सकती है, निकल के अंदर आज तेजी बनी रह सकती है। और यहाँ तक किस मेटल का सवाल है गोल्ड और सिल्वर, इसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा ये रहेगी कि गोल्ड सिल्वर के अंदर उतार चढ़ाव अब रहेगा क्योंकि अच्छी शानदार गोल्ड के अंदर मूवमेंट बनी है, सिल्वर ने भी शानदार मूवमेंट दी है, 71,000 से ऊपर के लेवल दिखा दी है। आज भी आप शॉर्ट करने से बचे या रिकवरी करने से बचे। एक और महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे आपके माध्यम से दर्शकों से कहूंगा कि व्यापार चाहे एग्रो का हो चाहे बेस मेटल का चाहे शेयर बाजार का, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अपनी क्षमताओं से ज्यादा कभी भी आप काम ना करें क्योंकि ग्रीड यानी लालच, पैनिक यानी घबराहट, ये दो बहुत बड़े शत्रु होते हैं ट्रेडर्स के। और घबराहट जब होती है जब आप क्षमता से बहुत अधिक काम कर लेते हैं, और लालच जब आता है कि जब आप लगातार तेजी या मंदी है हो रही है और उसमें आप लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, आपके एक या दो लॉट में काम करते हैं, धीरे धीरे आप 5 से 10 और 15 से 25 और 25 से 50 लॉट में चले जाते हैं, और जब कभी भी आपका कोई एक गलत निर्णय होता है जो कि होगा, कोई भी मैच ऐसा नहीं हो सकता या कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं हो सकता है वो जिंदगी में कैच ना छोड़े, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं हो सकता है वो कभी जीरो पे आउट ना हो, लेकिन उसका औसत बढ़िया है तो वो महान खिलाड़ियों की श्रेणी में आ जाता है। कोई भी खिलाड़ी लगातार 10 या 8 ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता,
ये बात अलग है कि 3 से 4 ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाले भी हैं, लेकिन वो लाखों में से एक 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 होते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ एक मकसद यह है, अपनी क्षमताओं को पहचानो, क्षमता से अधिक लालच या क्षमता से अधिक नुकसान कभी भी मत उठाओ। बाजार कहीं गए हैं, बाजार यही है और आपको हजारों मौके देंगे कमाने के, लेकिन गंवाने का एक या दो मौका आएगा, वो आपका सारा पैसा ले जाएगा। अतः अपनी क्षमताओं के आधार से ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। जी अखिलेश जी। जी कनल जी। इसके साथ कनल अजय जी, स्टॉक मार्केट में कैसा रुझान दिखता है आपको आज? एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक स्टॉक मार्केट कैसा रह सकती है? देखिए, जहां तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, मैं यही कहूंगा कि अभी उतार चढ़ाव जारी रहेगा जब तक युद्ध की स्थिति बन रही है, और जब इस तरह के युद्ध होते हैं तो उसके अंदर तुरंत नतीजे आने में मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये रहता है कि जब लड़ाई इस स्तर पे आ जाती है तो उसके अंदर तुरंत निर्णय नहीं होते हैं और कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है और रूस का सवाल है, रूस के आसपास 14-15 जो स्टेट हैं या देश हैं वो सारे नीटो के अंदर शामिल हो चुके हैं, और वो नीटो में शामिल होने का मतलब है कि किसी भी देश पर आक्रमण या कोई भी संकट आता है तो सारे नीटो के देश उसके ऊपर आक्रमण कर उसकी मदद करते हैं, उससे उसको बचाने में प्रतिबद्ध होते हैं। और रशिया ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके चारों तरफ नीटो का जाल बैठ जाए और वो उसकी शक्ति का लोग चैलेंज करने लगे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और अभी जो लेटेस्ट जो खबर आ रही है कि नीटो में शामिल नहीं होना और जो एकमात्र कई शर्तें हैं उनमें से एक है, और यदि ये यूक्रेन इसको मान लेता है तो युद्ध एक सेकंड में खत्म हो सकता है। लेकिन पश्चिमी दबाव और अमेरिकी शह के ऊपर यूक्रेन मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई बहुत जल्दी से झुकने को तैयार होगा, और अमेरिका चारों तरफ से और यूरोपीय संघ और नीटो रशिया का चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं, उसको आइसोलेट कर रहे हैं, उसको इकोनॉमी को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बैंकों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स पर से उनको धीरे धीरे काट रहे हैं। इससे रशियन इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी मिल रही है कि जर्मनी ने रशिया से गैस और एनर्जी लेने से मना नहीं किया है और उसने कहा कि यह संभव नहीं है, हम रशिया से लेते रहेंगे। ये एक सकारात्मक रूप यूरोपियन तरीके से आ रहा है, क्योंकि जर्मनी ने इनडायरेक्टली रशिया को से संबंध नहीं तोड़ने का मतलब ये है, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको याद होगा जर्मनी और रशिया एक दूसरे के बरखिलाफ खड़े थे, और ये भी एक राजनीति है कि अमेरिका और रशिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ से लड़ रहे थे, आज दोनों शत्रु बने हुए हैं। तो कोई राजनीति के अंदर कोई परमानेंट शत्रु या परमानेंट दोस्त नहीं होता, परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता है और इसका प्रभाव बाजारों पर अवश्य पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि इन गिरते बाजारों के अंदर यदि आप 2 या 3 स्पेक्टर पर नजर रखेंगे, एक मेटल ऑयल एंड गैस, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं शुगर, इन पे आप नजर रखें तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है इस गिरते वाले बाजार में भी। कल भी हमने शुगर सेक्टर पे बलरामपुर चीनी, शेरेमुखा शुगर, अवध शुगर पे बात की थी, इसके अलावा वेदांता, टाटा स्टील, इस पे भी चर्चा की थी, और एनर्जी स्टॉक, पावर स्टॉक, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे शेयर पर भी आप नजर रख सकते हैं। जी अखिलेश जी। जी कल्याण जी। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।